संचारी रोग अभियान के अंतर्गत आज डॉक्टर रामजी लाल सफाई एवं खाद्य निरीक्षक नगर निगम की कुशल निर्देशन में केला नगर स्थित बेगपुर में एक विशेष दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूँ केला नगर के पास बेगपुर में और दुर्गाबाड़ी के पास जो एरिया पड़ता है बेगपुर, और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि कुछ सरकारी मुलाजिम आए हुए हैं जिनकी पीछे टी शर्ट पर लिख रहा है नगर निगम। आखिरकार देखेंगे ये नगर निगम के लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, और मुझे तो लगता है कि नगर निगम द्वारा जो संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत यहाँ पर टीम आई हुई है और हम कोशिश करते हैं उनसे बात भी करेंगे और देखते हैं वो आखिरकार क्या कर रहे हैं। हाथों में मशीनरी लेकर ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ये मच्छर मारने वाले जो मच्छर लार्वा है उसको मारने के लिए आप लोग मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं। और ये बेगपुर का एरिया है, यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ जो साथ में सरकारी योजनाओं का जो सरकारी व्यवस्था है उनका बैनर भी साथ में लेकर साथ में चल रहे लोग कहते हैं कि यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। मानिए जिस तरीके से परिवार में कोई आयोजन होता है उस तरीके से सभी लोग घर के सदस्य सपोर्ट करते हैं, और कुछ ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। संचारी रोग, मच्छरों से कैसे बचना है हमें, किस तरीके से मच्छरों के इफ़ेक्ट को बच्चों को बचाना है, जिस तरीके से लगातार मलेरिया के रोगी आ रहे हैं, डेंगू के रोगी आ रहे हैं, ये उसी तरीके से यहाँ पर टीम काम करती हुई नज़र आ रही है। और ये कुछ साथी यहाँ पर हैं, इनके ऑफिसर्स भी हैं, कर्मचार भी हैं और क्षेत्रीय लोग भी यहाँ पर लगे हुए हैं। हम इनसे कार्य के बाद कोशिश करेंगे बात करने की कि आखिर किन किन क्षेत्रों में ये लोग अब तक जा चुके हैं, इनकी टीम में कितने सदस्य हैं और आखिरकार ये कार्यक्रम कब तक चलेगा। इससे पहले कि ये लोग काम में क्षेत्र में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और पूरे तरीके से ब्रोशर भी बांटे जा रहे हैं, इनके हाथ में कुछ पंपलेट हैं वो भी दिए जा रहे हैं, पंपलेट के साथ में हम बात भी करेंगे। देखिए पंपलेट भी दिए जा रहे हैं, जागरूक करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है जनता को, और कुछ महिलाएँ भी हैं, बच्चे भी हैं, पंपलेट तो सभी को दे रहे हैं ये लोग क्योंकि व्यक्ति विशेष सब बराबर हैं। देख सकते हैं महिलाएं भी बैठी हुई हैं और इनको पंपलेट दिया जा रहा है कैसे महामारी से बचें, मच्छर हो या मक्खियां हो या अन्य बीमारियां हो, जागरूकता ही बचाव है और सरकार इसके लिए पूरे कार्य कर रही है। ये घर घर जाकर एक अलग जलाने की जागृति करने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग कि आखिरकार मच्छरों से कैसे हम बचें, किस तरीके से बचाव किया जा सकता है। सभी लोग अपने दरवाजों पर हैं, देख सकते हैं सभी पूरे तरीके से उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार हो, दिल्ली सरकार द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी कार्य किया जा रहा है। ये अक्टूबर का माह है, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक भी कार्यक्रम चला था लेकिन लगातार अक्टूबर के माह में भी कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है क्योंकि लगातार मच्छर के काटने से बहुत सारे पेशेंटों की सूची आ रही है। जब बात करी जाए जिला अस्पतालों की तो वहाँ पर ढाई हज़ार तक OPD देखने को मिल रही है। हम इनके जो इंचार्ज हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे और कोशिश करते हैं बात करने की कि आखिर इस काम को क्या अंजाम दिया आप लोगों ने। नगर निगम अलीगढ़ द्वारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत वर्तमान में 90 बैकपैक मशीनों द्वारा एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है और 15 पोर्टेबल मशीन हैं जो फॉगिंग प्रतिदिन रोस्टर के हिसाब से पूरे शहर में वार्ड वाइज रोस्टर के हिसाब से फॉगिंग कर किया जा रहा है। उसके साथ साथ नगर निगम पर 3 बड़ी फॉगिंग मशीनें हैं जो बाज़ारों में और बड़े जो चौड़े रोड होते हैं उन पर फॉगिंग करने के लिए संचारी रोग अभियान के अंतर्गत बड़े स्तर पर फॉगिंग कर किया जा रहा है। जनता को जागरूक करने के लिए नगर निगम अलीगढ़ द्वारा निगरानी समिति के माध्यम से बैठक भी की जा रही है और उसके साथ साथ पंपलेट, बैनर और ये मच्छर मारने के लिए फॉगिंग तो दिन में 2 बार की जा रही है और एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया जा रहा है नगर निगम अलीगढ़ द्वारा। और जन जागरूकता हेतु घर घर जाके लाउड स्पीकर के
के द्वारा भी मोहल्लों मलिन बस्तियों में जाके विशेषकर मलिन बस्तियों में अभियान चला के नगर निगम अलीगढ़ द्वारा सफाई अभियान और फॉगिंग कार्य किया जा रहा है। मलेरिया डिपार्टमेंट द्वारा आपको क्या सहूलियतें मिल रही हैं? मलेरिया डिपार्टमेंट से नगर निगम का दोनों के सहयोग से ये कार्य किया जा रहा है, अंजाम दिया जा रहा है। संचारी रोग से बचाव के लिए दोनों लोगों का सहयोग रहता है, उनकी टीम के साथ भी जो भी टेस्टिंग अदर कार्य होते हैं तो मलेरिया डिपार्टमेंट और नगर निगम द्वारा दोनों के सहयोग से शहर को संचारी रोग से बचाने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। साथियों, ये थे हमारे साथ रामजी लाल जी, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि हम गली गली और घर घर मोहल्ले मोहल्ले जाकर मच्छरों के प्रकोप को कम करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अभियान के अंतर्गत डेंगू और मलेरिया के मच्छर के प्रकोप को कम करने के लिए अपनी टीम के साथ विशेष कार्यक्रम को अंजाम दिया, जिसमें जनता ने उनके कार्य से प्रभावित होकर सभी अधिकारी और कर्मचारियों को फूल माला पहनाकर और नगर निगम सफाई कर्मी व डॉक्टर रामजीलाल सुमन के जिंदाबाद के नारे भी लगाए। ये नज़ारा देख क्षेत्र में ये देख सकते हैं आप सभी लोग, खुशी का माहौल, एक दूसरे का मान सम्मान करनी। ये फॉगिंग मशीन के एक्सपर्ट हैं, मशीन को चलाते हैं। कर्मियों में एक विशेष ऊर्जा का संचार हुआ, यह काफ़ी अच्छा प्रयास था। जब डॉक्टर रामजीलाल जी से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम जनपद ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल निर्देशन में कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम पर पैनी नज़र है अलीगढ़ के कमिश्नर साहब की, मंडलायुक्त महोदय पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, साथ में नगरायुक्त महोदय भी इसकी विशेष मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से हम आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से सफाई कर्मी और नगर निगम के डॉक्टर्स का बेगपुर में हुआ सम्मान आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं।